इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो चुका है, मेरा चैनल पे आ चुका है। अंगूठा लगाकर पैन कार्ड बनाएं एंड सुपर डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर आईडी कैसे लें, और डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से रिटेलर आईडी कैसे बनाएं एंड सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूटर कैसे क्रिएट करें, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में जानिएगा। NSDL के माध्यम से बनाओ पैन कार्ड, आप आसानी से 1 घंटे से 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर आप पैन कार्ड किसी को बना के दे सकते हैं इस आईडी से, वो भी फिंगर के द्वारा। तो फिंगर से द्वारा आप बना के दे सकते हैं आईडी। तो ये बताते हैं कि आप इसका आईडी कैसे ले सकते हैं। इसका जो वेबसाइट है दोस्तों, तो ये वेबसाइट यहाँ पे कुछ इस तरह का है, यहाँ से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन कर लेते हैं, आज हम मोबाइल से दिखा रहे हैं, अगले दिन जो होगा वो हम लैपटॉप से दिखाएंगे एंड पैन कार्ड बना के भी दिखाएंगे कि कैसे आप लाइव बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के उसका पासवर्ड डाल के आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करके उसका लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लूँगा। कुछ लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ से हमको रिटेलर आईडी एंड डिस्ट्रीब्यूटर आईडी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, ये मेनू का बटन है, सॉरी ये मेनू का बटन है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर आसानी से हम बना सकते हैं। तो चलिए आज हम रिटेलर बना के दिखाते हैं। तो रिटेलर बनाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आए लिखा है एड न्यू रिटेलर, यहाँ पे न्यू रिटेलर आईडी बना सकते हैं एंड यहाँ पे माय रिटेलर लिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए देखना हमको नहीं है, सिर्फ बनाना है। बनाने के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे कुछ जूम करके दिखाते हैं, मेंबर नेम यहाँ पे नाम डालना है, उसका मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे, उसके बाद कम्युनिकेशन यहाँ पे बोला है, यहाँ पे सेलेक्ट रोल डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है या रिटेलर बनाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ पे उसका एड्रेस जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो एड्रेस आपको पूरा फिल कर देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है, देन यहाँ पे आपको स्टेट डाल देना है, सिटी डाल देना है, पिन कोड डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है। वो पासवर्ड उसका मोबाइल नंबर ही डाल दीजिएगा मेरे हिसाब से, या फिर 1 2 3 4 5 उसका डाल सकते हैं। उसके बाद बिजनेस पर्पज यहाँ पे नहीं भी डालिएगा तो चलेगा, देख लीजिए यहाँ पे स्टार का ऑप्शन यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ ये सब में स्टार का ऑप्शन नहीं लगा हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे स्टार नहीं भी लगाइए, इस सब में नहीं कुछ भी डालिएगा तो चलेगा। वो कस्टमर अपने से वो सब खुद डाल के, खुद से डाल के वो अपना एक सबमिट कर देगा। उसके बाद यहाँ से बैंक नेम, IFC कोड, बैंक डिटेल्स, बैंक नंबर मतलब डाल सकता है। क्यों ये ऑप्शन दिया है, डिस्ट्रीब्यूटर अगर बनाइएगा तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ये सब बना सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है, ऐड करने का जो कमीशन मिलता है वो बैंक में कमीशन ले सकता है। सबमिट करने के बाद आईडी पासवर्ड उसके मेल पे चले जाता है या फिर उसका मोबाइल नंबर पे चले जाता है, अब या फिर नहीं जाता है तो मोबाइल नंबर उसका यूजर नेम हो गया और पासवर्ड आप जो यहाँ पे रखे होंगे वही पासवर्ड रह जाता है। तो ये सब डाल के सब फिल कर दीजिएगा। तो इसका रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेने के लिए आपको क्या करना होगा, मतलब क्रोम ब्राउजर पे जाना और यहाँ पे सर्च करना क्या, अजीब टिप्स ऑनलाइन जैसे सर्च कीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा अजीब टिप्स ऑर्डर ऑनलाइन। देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे जैसे सबसे नीचे में जाइएगा तो सबसे नीचे जाना है, हाँ सबसे नीचे जैसे आ जाइएगा तो यहीं पे आपको मिल जाएगा रिटेलर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी एंड रिटेलर आईडी। यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट में आप बाय करते हैं सेम, अगर वहाँ से भी नहीं होता है तो देख लीजिए यहीं पे मेरा नंबर भी दिख रहा है, इस नंबर के ऊपर कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं आसानी से। ये आईडी आपको 1 से 2 घंटे का टाइम लगेगा जिसमें आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो अगर मेरा चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तो धन्यवाद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।